नमस्कार, मैं दिशा मेहरा इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको 3233 थाना से दिखा रही हूँ। आपको बता दूं कि बीते दिन एक मामला सामने आया था कि उत्तम नगर के सोनू व्यक्ति पे चाकुओं से हमला किया जाता है, उससे उसे मार दिया जाता है। उसका जो परिवार है बहुत ज्यादा परेशान जरूर नजर आ रहा है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं, आओ चलते हैं उनसे जानते हैं। ये चौथा रोज होगा जी, चौथे रोज से जैसे हम हॉस्पिटल से लाश उठाने गए जी, हमें एसपी साहब ने आश्वासन कर दिया था और हमारे यहाँ के वार्ड के ये भी थे, क्या नाम बोलते हैं, नौतना साहब एमसी, उन्होंने कह दिया था, उनके आश्वासन में हमने गैली उठा कर ले आकर अपना दाह संस्कार कर दिया। अब तक चार रोज से हमें ये कोई भी खबर नहीं दी प्रशासन ने कि भाई तुम्हारे बारे में हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या होगा। हमें अभी तक कोई किसी की रिपोर्ट में क्या आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में हमारे कोई स्कूल बताया नहीं। हाँ जी, हमें कोई बताया नहीं। आज चार रोज हो गए। कितनी बार आ चुके हो थाने में? हम कई बार आ चुके जी थाने में, तो हाँ एस एच ओ साहब का एक बार मिले थे जी, आज फिर वापस जा रहे हैं, आज मिले ही नहीं है। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने भी ये बोला था भाई यहाँ होगा कार्रवाई चल रही है, अभी तक कार्रवाई हमारे सामने नहीं आई जी। कोई हम ये मांग करते हैं जी साहब, इंसाफ मिलना चाहिए, चाहिए जो जो आदमी। कितनी उम्र थी उनकी? 32 साल। एक बार पूरा मामला बताइए, कैसी धमकी भी आई है, बाद में पता चल रहा है कि धमकियां भी आई थी। हाँ जी, धमकी भी आई थी, रिकॉर्डिंग भी है उनकी, वो सब हमने थाने में पेश कर दी थी। ठीक है, सारे सबूत मतलब? हाँ सब सबूत दे रखे जी थाने में हमने पहले ही, पर हमारे पास कोई भी सिक्योरिटी वगैरह या कोई कुछ भी कुछ नहीं मिला। हाँ हमने कोई पहचान, हम किसी को नहीं पहचानते सर, हमें पहचान होती तो फिर हम नाम दर्ज करवा देते, ये तो अपने आप ही धमकी होती रही, हमारा तो यहाँ कोई दुश्मन ही नहीं था जी। कितने धमकी दी थी कुछ? फोन पर धमकी आई थी जी, हमारा नाम पता नहीं, नाम पता नहीं था। तो किसी से कोई दुश्मन या कुछ था? हमारा यहाँ से कुछ दुश्मन नहीं जी। कहाँ के रहने वाले? हम बागपत के रहने वाले हैं जी, गाँव फैजपुर निनाणा, जिला बागपत, कवरपाल, यहाँ पर उत्तम नगर गली नंबर 1 भूसगढ़ रोड उत्तम नगर में जी। अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब इतना ज्यादा दबाव बनाया गया था कि पहले पोस्टमार्टम कीजिए, कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो रही? नहीं हुई जी, बिल्कुल भी नहीं हुई जी। ना धमकी दे रखी थी हमने, सारा कुछ यहाँ दिया इनको, मगर कुछ कार्रवाई करेंगे ये नल पुलिस वाले ने हमारे घर जाकर भी देखा, हमने इनके हाथ भी जोड़े जी, मगर मेरे भाई को खतरा है जी, जो एस एच ओ है बड़ा, हमने इनको कहा जी हमारे भाई को खतरा है, तो मतलब इन्होंने हमारा सुन कर लिख कर रख लिया पर्ची अपने, हमें ना कुछ नहीं कहा, ना हमारे घर आकर देखा, हमने बोला भी इनको भाई हमारे भाई को बहुत खतरा है, क्योंकि 16 तारीख को हमारे भाई को धमकी मिली थी भाई 31 तारीख लग का तेरे पास टाइम है, चाहे तो करनाल छोड़कर चले जा, अन्य तो तू मारा जाएगा 31 तारीख तक। तो ऐसी बात क्यों कही जी है? कोई मतलब वो चाहते थे कि आपके घर पे कब्जा करना या कुछ ऐसी बात? पता नहीं जी, नहीं बताया, आज से कोई सामने नहीं आया, ना उन्होंने हमारे तक पैसे की भी मांग नहीं करी, कोई घर की वो नहीं करी, बस उन्होंने यही कहा कि करनाल छोड़ कर जा, कोई सरदार है सरदार, उसने हमें 5 लाख रुपए दिया तेरे मारने के। हाँ जी, उन्हें नाम नहीं लिया हमारे सामने, बस ये बता रहे कि कोई हाँ सरदार है। नहीं जी अभी कोई नहीं हो सकी, अब तो इनको इधर वो कर रखी हमने, यही दे देंगे हमें तो जो भी देना कर रखा है। नहीं जी गए, बिल्कुल नहीं गए, ये तो बस जी मेरे भाई की हत्या होली जब तब रात को ही गए, जब भी जी हमने 6:30 बजे इनके पास फोन किया, ये रात के 10 बजे पहुंचे जी वहाँ पे। तो आप क्या कुछ अपील करना? अपील तो जी यही भाई, हमें तो बस वे हत्यारे पकड़े जाए एक बार, उनसे हम ये पूछेंगे भाई हमारी गलती क्या थी, मेरे भाई की गलती क्या थी, भाई किस लिए मारा, उसके छोटे छोटे बच्चे बता कितने बिरान हो गए, बस ये पूछेंगे इनसे, पुलिस वाले से भी, उनसे भी पूछना। कितने बच्चे थे? 2 है जी, ये छोटे बच्चे है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे है इसके, एक छोटा लड़का है, यस एक घर वाली है इसकी, एक ही है इसका। हमने तो पुलिस के पास तो बहुत बार आए जी मैम, बहुत बार आए, इन्होंने हमारी सुनाई नहीं करी। जिस टाइम 4 तारीख में, उसमें जो दिवाली वाले महीने में 4 तारीख को भी भाई को मारन आए थे, तो जब तो मेरा भाई बच गया था, क्यों हमें पता चल गया था जी भाई ये से मारन के लिए ही आया है, हमने उसको अंदर ही बाढ़ दिया, मतलब मेरी मम्मी ने उसको अंदर बाढ़ दिया, भाई तू भाई बाहर मत आइयो। तो हाँ जी करवाई थी उसी टाइम, उसी दिन वे सुबह के 5 बजे आए थे, हम यहाँ 10 बजे आ गए थे जी, तो कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं करा उन्होंने। और जिस दिन वहां हमें धमकी मिली फोन पे, उधर भी हमने रिकॉर्डिंग भी दे गए, यहीं पे सब कुछ दे गए, और बताया भी इनको जी हमारे 31 तारीख तक हमें खतरा है, ये जब भी नहीं गए हमारे घर बिल्कुल भी।
बेटा को मौत देनी चाहिए, हादसे की सजा होनी चाहिए उन्हें। आप घर पे थे उस टाइम पे जब ये हादसा हुआ? हाँ घर पे ही थी मैं। कितने लोग थे? वे आदमी नहीं देखे, मैं तो अपने लड़के को लुकाने गया उसमें रही, कभी आदमी घर में पड़ जाए। घर में कुछ किए थे वो? तो अब भी जान का खतरा हो सकता है आप लोगों को? अब भी ये कह रहे थे घर छोड़ कर चले जाइयो, करनौल में कोई नवीन रहना चाहिए। क्यों कह रहे थे? किराए पे भी नहीं रहना चाहिए ना, किराए वाले भी मारे जाएंगे। इसी बात का तो नहीं पता चला होगा ना क्या क्यों? कोई पुरानी रंजिश थी कि किसी के साथ इतना लड़ा था दीदी आप? तो जैसा कि आप सबने लाइव तस्वीरों में सुना और देखा कि किस तरीके से परिवार था जो बहुत ज्यादा परेशान जरूर नजर आ रहा है, उनका कहना है कि जो आरोपी है उनको ज्यादा से ज्यादा जो है सजा होनी चाहिए, और बताया जा रहा है कि अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी बेचारे बहुत ज्यादा परेशान जरूर नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं है। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील है, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहे एबीसी हरियाणा के साथ। मैं दिशा मेहरा, धन्यवाद।